जय हिंद दोस्तों, नया सेशन में आप सभी इंजीनियरों का मैं आकाश कुमार, भारत का सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल जॉब अपडेट चैनल नॉन टेक्निकल जॉब अपडेट चैनल में आप सभी इंजीनियरों का मैं एक नया सेशन में स्वागत करता हूं। तो आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट जो बीएससी उसी किए हैं, उन लोगों के लिए एक वैकेंसी आई हुई है जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग की ओर से वैकेंसी निकल के आई है, ठीक ना। आईओपी ये क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, ठीक ना। ये भुवनेश्वर की ओर से वैकेंसी निकल के आई है, परमानेंटली जॉब है यार। तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि ये एनपीसीएल होता है ना, उसी की तरह ये भी है आईओपी, जो कि टोटली भारत सरकार इसको हैंडल करती है। ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर में आती है, राष्ट्र की सेवा परमाणु ऊर्जा। आप लोग इसको देख भी सकते हो यार, ठीक है, ये देख सकते हो। ओके, भौतिकी की संस्थान भुवनेश्वर। अब बात करते हैं यहाँ पे, डिटेल में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो पोस्ट है मैं आप लोग को पहले दिखाता हूँ, चार पोस्ट पर वैकेंसी आउट हुई है। ओके, साइंटिफिक असिस्टेंट बी। ओके, ये देखो मैं इसका अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, सब चीज़ें अवेलेबल कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रिपरेशन पे ध्यान दो। आप ध्यान दो, दूसरा नंबर में देखो स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड का है, उसके बाद लोअर डिवीजन एलडीसी, इसी को बोलाता है एलडीसी। एलडीसी का अभी यहाँ वैकेंसी आउट हुआ, इसमें क्या है कि टाइपिंग वूपिंग मांगा जाएगा। मेन चीज़ क्या है, आईटीआई वाला बंदा के लिए, ट्रेड्समैन ए के लिए। यहाँ पे तीन ट्रेड को, चार ट्रेड को अपॉर्चुनिटी मिला, यहाँ पे ध्यान देना। पहली बात क्या है, इलेक्ट्रीशियन वाले फॉर्म को बढ़ेंगे, ठीक ना, इलेक्ट्रीशियन वाले यहाँ पे मौका मिला, उसके बाद मशीनिस्ट वाले, उसके बाद से कारपेंटर वाले यहाँ पे एलिजिबल है, और प्लम्बर वाले भी एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। अब बात आती है कि वैकेंसी सर कितना है, ठीक है। वैकेंसी तो कम है, वो बात तो हमें भी पता है, और यहाँ पे भी लिखा गया, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट बी में यहाँ पे टोटल सीट तीन है, और स्टेनोग्राफर थर्ड में आप लोग का एक है, और एलडीसी में आप लोग का तीन है, और ट्रेड्समैन ए के लिए आप लोग का पांच सीट पे वैकेंसी आउट हुई है। ओके, टोटल सीट जैसे कि एससी में एक है, और यूआर में डायरेक्टली चार सीट है। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब चीज़ में, सैलरी ओरली एज सिलेबस सब चीज़ में डिटेल में बताऊंगा। जो सिलेबस एनपीसीआईएल का है सेम टू सेम, यही यहाँ पर भी आप लोग का वही रहने वाला है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं डिटेल में कि सैलरी ओरली क्या मिलेगा आप लोग का। देखिए यहाँ साइंटिफिक आप लोग का असिस्टेंट जो बी वाला है, तो यहाँ पर लेवल सिक्स का सैलरी मिलेगा। ध्यान देना, यहाँ पे जो आप लोग का सैलरी मिलेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में। यहाँ पे एज देख लो, 18 से 30 के बीच में है आप एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। ध्यान रखना ये मिनिमम से मैक्सिमम है, जो बंदा यूआर से बिलोंग करता है वही बंदा के लिए, अदरवाइज अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो 3 साल 5 साल 10 साल, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि पीडब्ल्यूडी में भी कैटेगरीज होती है, क्या है कि किसी को पूरा एक साइड पूरा हैंड पूरा ख़त्म है, किसी का पैर डैमेज है, तो उस कैटेगरीज में बंदा को अलग छूट मिलता है। क्या उनको छूट मिलता है, 13 साल 14 साल 15 साल तक छूट मिलता है वो बंदा को। ओके, अब ध्यान देना, दूसरा नंबर में आओगे लेवल फोर का सैलरी, इसमें कि स्टेनोग्राफर में आते हैं ये लोग, यहाँ पे 18 से 28 है मिनिमम से मैक्सिमम आप लोग का यही रहने वाला। ओके, उसके बाद से देखोगे एलडीसी के लिए 18 से 28 है, उसके बाद से ट्रेड्समैन ए के लिए। यहाँ पर भी ध्यान देना, आईटीआई स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग के लिए क्या है कि जो बंदा 18 से 28 के बीच में है, ये यूआर वाले के लिए बस, मतलब कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज अगर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल, ओबीसी से आते हैं तो 3 साल, आपको आरक्षण दिया ही जाएगा। ओके, सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट नंबर, सबसे पहले आप लोग ना जब भी वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो देखो ना, सबसे ज़रूरी बात एडवर्टाइजमेंट नंबर देखा करो, और अप्लाई डेट, नोटिफिकेशन और ये सब चीज़ लास्ट डेट देखा करो। तो यहाँ पे लास्ट डेट आप लोग को फॉर्म को भरना है 31/7/2023 से पहले आप लोग को भरना है। मैं इसका अप्लाई लिंक भारत आईडिया जॉब पर जाना, आप लोग विजिट कर सकते हो, मैं इसका लिंक दे दूंगा। अब चलिए बात करते हैं और भी चीज़, क्या क्या चीज़ यहाँ पे दिया गया। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये चीज़ लगाना है आप लोगों को, देखो वही चीज़ ना यहाँ पर भी, यही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पर भी दिया गया, आप इसको पढ़ोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। अब बात करते हैं और भी चीज़, यहाँ पे क्या क्या चीज़ आप लोग को फॉलो करना, क्या चीज़ यहाँ पे दिया गया वो चीज़ देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया यहाँ पे पूरा डिटेल में, जैसे कि मैं आप लोगों को ऊपर भी बता दिया हूँ कि जो बड़ा पद है उसमें बीबीटेक, बीएससी, यूसी या डिप्लोमा, आईटी, यूटी, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल से हो, डिप्लोमा की हो, ये सभी बंदा एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लो। सबसे ज़रूरी बात, साइंटिफिक असिस्टेंट यहाँ पे देखना, साइंटिफिक असिस्टेंट बी में पोस्ट आप लोग का, ये असिस्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेशन, आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एक्सपीरियंस, देखो डिप्लोमा होल्डर मस्ट हैव ए 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। मतलब क्या है कि जो भी बंदा इसमें फॉर्म को भरेगा, जो बंदा डिग्री लगाएगा, उसमें कम से कम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस देख लेना। ओके, तो एक्सपीरियंस कंपल्सरी है यहाँ पे,
माफ़ कीजिएगा, थोड़ा फ़ोन आ गया था इसलिए मैं थोड़ा वो कर दिया हूँ। अब देखना, मैं इसको काटूँगा भी नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग वेस्टिंग्स पे आप लोग को यहाँ बताया गया सैलरी के बारे में, बताया गया लेवल सिक्स का सैलरी में। तो लेवल सिक्स का मतलब हो गया कि 35,400 आप लोग का बेसिक रहेगा। ओके, तो 35,400 ये बेसिक हो गया। अब इस पर कम से कम जोड़ लो, अब इसमें TA, DA, HRA जो भी अलाउंसेस होता सेंट्रल लेवल वाला इसमें इंक्लूड होगा, तो कम से कम 12,000 कम से कम ऐड हो ही जाएगा। जोड़ लेना 35,000 और 12,000 जोड़ लो, मतलब कि 40-45 के प्लस में आप लोग का सैलरी अमूमन आप लोग का इन हैंड अकाउंट में घुस जाएगा कर छट कर। ठीक है, सैलरी अच्छा खासा मिलता है यार, पद भी बहुत अच्छा रहता है, यहाँ पे काम उतना वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं रहता है यहाँ पे, जब आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तब। ठीक है, ये बहुत अच्छा विभाग है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे बस अपना सेल्फ प्रोटेक्शन थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे देख लेना आप लोग, अपना जो भी विभाग में जाओगे थोड़ा मोड़ा तो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होता ही है, और रिक्स है तो कूद पड़ो। अब ध्यान दो यहाँ पे दूसरा नंबर में कि यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है, तो स्टेनोग्राफर के लिए क्या है, यहाँ पे ग्रेजुएशन कंपलसरी है, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट एलिजिबल हो, पास सेट इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड कम से कम 80 WPM, मतलब कि समझ रहे हो ना, 80-40 का रेशियो होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी का, नॉलेज ऑफ इशू पर्सनल कंप्यूटर एंड नॉलेज ऑफ एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ DCA आप लोग तो किए ही होंगे, नहीं किए तो कोई बात नहीं है, कम से कम एम एस ऑफिस पे काम आना ही आना चाहिए आपको। ओके, अब बात करते हैं दूसरा नंबर में, यहाँ पे क्या दिया गया, और भी यहाँ पे देखो 25,500 से लेकर मतलब लेवल 4 का सैलरी मिलेगा यार, 25,500 बेसिक रहेगा, तो इस पे 10,000 जोड़ लेना। ओके, इन हैंड आप लोग को 35,000 रुपया अकाउंट में घुस जाएगा कट छट कर। ओके, उसके बाद से आओगे तो LDC, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो यहाँ पर भी आप लोग का सेम टू सेम वही रहने वाला अमूमन। देख लो ग्रेजुएशन पास है, एलिजिबल है बंदा फॉर्म को बने, एनी डिसिप्लिन इससे कोई इसको मतलब नहीं है, आप कौन सब्जेक्ट से आप डिसिप्लिन से मतलब कि आप पास हुए हैं ग्रेजुएशन, MSc मतलब कि सॉरी मतलब कि BA किए हैं, BSc किए हैं, ऑनर्स को भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं, फिजिक्स से आप लोग का या कॉमर्स से गए तो कौन सब्जेक्ट है, साइंस है, जो भी है इससे डज नॉट मैटर। ओके, बस ग्रेजुएशन इसको चाहिए, और इसमें डिजाइवर में देखो डिजाइवर का मतलब क्या होता है कि मतलब ये है, और अगर ये नहीं है तो ये है, एक्सपीरियंस होना चाहिए एमएस ऑफिस में, एक्सेल में, गुड कम्युनिकेशन स्किल, साउंड नॉलेज इन हिंदी टाइपिंग, ठीक ना, वेट गेट यहाँ पर बोला है कि वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, तो यहाँ पर देख लेना आप लोग, अगर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है और एक्सपीरियंस है, एमएस वर्ड पे काम कर सकते हो, MS Excel पे काम कर सकते हो, तो अप्लाई करना, LDC में अमूमन यही रहता ही है। ओके, अब चलिए बात करते हैं मेन चीज़ पे आते हैं हम लोग डायरेक्टली, ITI वाला बंदा 10th हुआ यहाँ पे पास है, ITI पास है, एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, और यहाँ पे सबसे जरूरी बात हमें पता है अच्छा क्या लगा, यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि NCBT, SCBT ये सब का जिक्र नहीं किया गया, तो सबसे अच्छी बात यही है कि बहुत बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन में जी रहे होंगे, सर NCBT को लेगा कि SCBT को लेगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन जब फॉर्म फिलअप करने जाइएगा तो वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा कि किसको ले रहा है, ठीक ना, हो सकता है ये मतलब कि SCBT को ना ले। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो साइबर में। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज़ मैं आप लोग बता देता हूँ, देखो यहाँ पे 10th पास हो, ITI की हो, इलेक्ट्रिशियन से, मशीनिस्ट से, कारपेंटर से, प्लम्बर से आप एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, यहाँ पर बोला गया है एक्सपीरियंस इफ़ एनी, ध्यान देना। अब यहाँ पे आप लोग का सैलरी पे बैंड एंड ग्रेड पे आप लोग का 19,900 से लेकर आप लोग का 63,300 के बीच में आप लोग का रहने वाला, मतलब लेवल 2 का सैलरी मिलेगा, तो वही 28-30 के आसपास में आप लोग को सैलरी मिल जाएगा। 4 सीट है, कैटेगरी वाइज बांट दिया गया, 1 SC में है, बाद बाकी सब जनरल में है, तो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे आप लोग का मेन चीज़ आप लोग का क्या है कि सेंट्रल क्वालिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो थोड़ा रीड करने में। देखो मस्ट हैव पासेड SSC, मतलब क्या 10th पास हो स्टैंडर्ड विथ 60%, बहुत बंदा यहाँ पे छटेगा, यहाँ पे क्या है कि 60% रिक्वायर्ड कर दिया गया। देखो NPCI जब भी चाहे DA डायक में आता है, जब भी वैकेंसी परमाणु ऊर्जा विभाग में जब भी वैकेंसी आती है ना, तो यहाँ पे ये बात कंपलसरी रहता है कि 10th में बंदा का हमको चाहिए भाई 60% होना चाहिए, मतलब क्या 5 डिवीजन पास होना चाहिए, ठीक है, तो वैसे स्टैंडर्ड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइंस है उसमें, मैथ भी होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो ITI इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर ये सब ट्रेड में
कम से कम होना चाहिए ITI, तब बंदा वो एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। ये बात साफ साफ यहाँ पे लिखा गया, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हो। और डिजेबिलिटी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस में दिया है, एक्सपीरियंस में, मतलब कि लाइसेंस अवार्डेड इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स स्टेट गवर्नमेंट कैंडिडेट्स हैविंग 2 ईयर मोर एक्सपीरियंस ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस STLT हाई वोल्टेज लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस और इलेक्ट्रिकल मतलब कंस्ट्रक्शंस एंड बिल्डिंग, ओके, ये सब चीज़ में अगर काम किए हैं पैनल में। सिलेक्शन आप लोग का मैं बता देता हूँ यहाँ पे, आप लोग को देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन, आप लोग का सिलेक्शन सलविद पैनल एक्सपीरियंस, यहाँ पे रिटर्न स्किल टेस्ट आप लोग का, रिटर्न टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, आप लोग को यहाँ पे सब चीज़ रहने वाला है, ठीक है, रिटर्न टेस्ट एग्जाम सब चीज़ होगा आप लोग का। हाउ टू अप्लाई कैसे करना, यहाँ पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया, इसको डिटेल में पढ़ लेना आप लोगों को। व्हाट्सअप नए ग्रुप में जुड़े हो, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना, मैं इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। क्या क्या अपलोड करना है वो सब चीज़ यहाँ पे बताया गया, आप लोग इसको रीड कर लेना एक बार, ओके। यहाँ पे सब चीज़ पूरा प्रोसेस बताया गया, कैसे कैसे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, पहले में लॉगिन करना है, उसके बाद क्रिएट अकाउंट करना है, उसके बाद से नीचे आओगे, उसके बाद से लॉगिन फॉर्म में जाना है, उसके बाद से फॉरगेट अपना पासवर्ड बनाना है, उसके बाद से नीचे आओगे, तो जो भी चीज़ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया आप लोग इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट ITI अगर किया है रिसेंट ट्रेड से है, तो वो बंदा अगर चाहता है सही में सीरियसली में है, तैयारी करना चाहता है या प्रिपरेशन करना चाहता है, दिल से जॉब लेना चाहता है, तो आप कोर्स परचेज करना होगा, मास्टर कोर्स जो कि मैं लॉन्च किया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में, ठीक है। तो दिया गया नंबर में आप मैसेज करना, आप लोग को मिनिमम से मिनिमम प्राइस में आप लोग को हर चीज़ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, इस कॉम्पिटिशन बुक हो गया, उसका PDF मिल जाएगा, इसके झा सर का PDF मिल जाएगा आप लोगों को, रमन सर द्वारा लिखा जाएगा वो पूरा PDF मिल जाएगा आप लोगों को मिनिमम से मिनिमम प्राइस में, आप लोग ट्राई करना एक बार, ओके।